अस्सलाम वालेकुम। हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स अगर आप सेल करना चाहते हैं और आपके पास हैं बायबिट अकाउंट के ऊपर, अगर आपके पास जो है हैमस्टर के टोकन्स अवेलेबल हैं और आप उनको सेल करना चाहते हो तो किस तरह से सेल करोगे, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके हैमस्टर के टोकन जो हैं वो बायबिट अकाउंट के अंदर हैं, बायबिट एप्लीकेशन के ऊपर आपने डिपॉजिट करवाए हैं, तो वहाँ से आप किस तरह से अपने हैमस्टर के टोकन्स को सेल आउट कर सकते हो, बायबिट अकाउंट के ऊपर आप किस तरह से हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स को सेल करोगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आपने बायबिट के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन कर लोगे तो यहां से जो है आपने अपने हैमस्टर टोकन्स को किस तरह से जो है सेल करना है वो आपको तरीका बताने जा रहा हूं। यहां पे देखें तो आपको हैमस्टर का टोकन यहां पे सिंपली फर्स्ट पे शो हो जाएगा, क्योंकि अभी ये न्यू आया तो सबसे पहले ही आपको यहां पे शो हो जाएगा। अगर आपको यहां पे ना मिल रहा हो तो आपने क्या करना है, यहां पे देखें सर्च बार है, आप यहां पे सर्च भी कर सकते हो, हैमस्टर का टोकन आपको मिल जाएगा। अच्छा, उस सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने असिस्ट के ऊपर आना है। असिस्ट के ऊपर आकर यहां से जो है आपने पहले अपना देख लेना है कि आपके पास कितने टोकन्स अवेलेबल हैं, आपने ये चेक कर लेना। उसके बाद आपने होम पेज के ऊपर आ जाना है और यहां से जो है आपने सेल करने के लिए आपने क्या करना होगा, हैमस्टर का यह टोकन आपको शो हो रहा होगा, आपने सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे इसकी जो है डिटेल्स शो हो जाती है, इसका ग्राफ शो हो जाता है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसकी प्राइस क्या चल रही है, यहां पे आपको इसकी प्राइस शो होना शुरू हो जाएगी। यहां पे आपने देख लेना हैमस्टर कॉम्बैट जो है टोकन होना चाहिए, हैमस्टर का टोकन, उसकी प्राइस आपने देख लेनी है। उसके बाद अब आपने सेल किस तरह से करना है, ये देखें आपको नीचे जो है सिंपली सेल का बटन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, यहाँ पे आपने देख लेना है कि बाय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखें लिमिट लिखा हुआ है, आपने सिंपली इस एरो के ऊपर साथ वाले में क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मार्केट को चूज़ करना है। मार्केट को चूज़ करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, मार्केट चूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी प्राइस चल रही होगी सेम प्राइस आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो प्राइस इस हैमस्टर कॉम्बैट टोकन की चल रही होगी वही प्राइस आपको मिल जाएगी। अगर आप लिमिट को सेलेक्ट करते हो तो लिमिट का मतलब ये होता है कि आप लिमिट लगा सकते हैं कि जब ये जो है ऊपर जाए, यानी कि 8 के ऊपर जाए या 1 के ऊपर जाए, $1 के ऊपर जाए, तब आप सेल करना चाहते हो। तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करना है कि जो मार्केट का प्राइस चल रही है वही आपको मिले। यहाँ पे देखें तो आप हैमस्टर की क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि आपके पास जो है कितने हैमस्टर आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो या अदरवाइज आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो यहाँ पे मिल जाता है, आपने इसको फुल कर देना है और जितने भी आपके पास हैमस्टर के टोकन होंगे वो यहाँ पे फुल ऐड हो जाएंगे और यहाँ से आपने ये वाली जो है बार को आगे कर देना है। अगर आप हाफ सेल करना चाहते हो तो हाफ के ऊपर भी रख सकते हो, या आप यहाँ पे खुद ऐड करना चाहें, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, जो आप करना चाहें ये आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे सेल हैमस्टर के ऊपर क्लिक करना है तो जितने भी आपके पास हैमस्टर होंगे वो सेल हो जाएंगे और आपको जो है यहाँ पे जो है इस तरह से आपको ये वाली जो प्राइस है इसके हिसाब से आपके टोकन जो है वो आपको मिल जाएंगे USDT के अंदर, ठीक है। जितने भी आपके हैमस्टर होंगे वो सेल हो जाएंगे और आपको USDT के अंदर प्राइस जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको शो हो जाएगी असिस्ट के अंदर, असिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोकन शो हो जाएगा कि जो आपको टोकन जो है आपका जो पहले हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर पड़ा था, हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर आपके टोकन्स पड़े थे, अब आपको जो है USDT के अंदर आपको अमाउंट आपकी शो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स को सेल आउट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया दिया कि किस तरह से आपने यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स को सेल आउट करना है। जब आपके पास USDT के अंदर पैसे आ जाते हैं तो तब आपने बाइनांस के अंदर किस तरह से लेकर जाना है, या आप इजी पैसा या जैज कैश के अंदर किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसका तरीकाकार मैंने जो है आप वीडियो बनाई हुई है वो आपको मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, वो आप देख सकते हो और उसके जरिए जो है आप अपने इजी पैसा या जायज़ कैश के अंदर भी अपने पैसों को रिसीव कर सकते हैं जब आपके पास यहाँ पे USDT आ जाते हैं, या अगर आप जो है USDT के अलावा आप यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है अपने हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, डायरेक्टली जो है यहाँ से विड्रो करना चाहते हो, बाइनांस अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे वीडियो दे दूंगा, उसी को आप देखकर यहाँ से अगर आप डायरेक्टली जो है हैमस्टर के टोकन्स को बाइनांस के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो तरीका भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप यहाँ से जो है इजी पैसा जायज़ कैश के अंदर विड्रो करना चाहते हैं तो वो भी आपको तरीका मिल जाएगा, वो भी आप वीडियो देख सकते हो, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो है अपने हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स को यहाँ से जो है आउट कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर एक दफा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली भी अपडेट्स और ऑनलाइन के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।